So hello aviation lovers guys, how are you all guys? I welcome you all in my YouTube channel. And guys, today we have one more guest named Shubham. And guys, Shubham cracked the interview of Indigo Airlines Delhi base. So guys, first of all, Shubham, very much congratulations that you cracked the interview at Delhi base. Literally, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने interview निकाल लिया. And guys, अब तो मजे ही करने हैं Shubham, Indigo Airlines में. Right, तो guys, Shubham ने crack किया है Indigo Airlines के Delhi base का interview. And he cracked it for security department. Right. And guys, Shubham was a crash course student of, I guess, April month or I guess March month. April month, I guess. April month. तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे शुभम ने अप्रैल मंथ में क्रैश कोर्स खत्म किया और मई जून मंथ में उसने इंटरव्यू निकाल लिया इंडिगो एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ के लिए. तो इतनी फास्ट जो है शुभम ने फटाफट से नौकरी ले ली. कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो क्रैश कोर्स करते करते इंटरव्यू निकाल लेते हैं. राइट, तो गाइस, आई वेलकम यू ऑल. एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू कांग्रेचुलेट शुभम दैट शुभम की तुमने इंटरव्यू निकाल लिया. मुझे बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. एंड गाइस, टुडे शुभम विल बी शेयरिंग हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि इंटरव्यू कैसे कैसे क्रैक किया उसने, क्या क्या चीजें उसको हेल्प हुई. एंड नेक्स्ट थिंग विल बी आल्सो डिस्कसिंग कि कैसे कैसे क्रैश कोर्स से शुभम को बड़ी हेल्प मिली एंड उसने क्रैश कोर्स क्यों ज्वाइन किया था एंड कुछ टिप्स और बहुत सारी सीक्रेट स्ट्रेटजी. तो गाइस, ये सीक्रेट स्ट्रेटजी वीडियो में ही रहेगी, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है. स्किप करोगे तो स्ट्रेटजी नहीं मिल पाएगी. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी और आपको दोनों पार्ट देखने हैं, जिससे आपको मिलेगी अच्छी पिक्चर क्लैरिटी, पिक्चर परसेप्शन और आपको अच्छा आइडिया मिल पाएगा कैसे इंटरव्यू निकालना है. तो या शुभम, बताओ हमारे व्यूअर्स को, तुमने क्रैश कोर्स कब ज्वाइन किया था और क्यों ज्वाइन किया था. या शुभम, गो अहेड. तो सर, मैंने क्रैश कोर्स जो है अप्रैल 1 को ज्वाइन करा था. उसके बाद सर, मैंने जो है क्रैश कोर्स से काफी कुछ चीजें सीखी. सर बेसिकली मैंने क्रैश कोर्स की जो मतलब आपकी जो यूट्यूब चैनल है सर, बेसिकली आई वाज सर्चिंग फॉर द कंटेंट रिलेटेड टू एविएशन. सो सर, मैं ऐसे सर्च कर रहा था, सर आपका चैनल मिला मेरे को सर, तो मैंने उस पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस देखे. तो आई थॉट कि सर मतलब काफ़ी कुछ नॉलेजेबल बता रहे हैं सर यहाँ पे. तो फिर मैं कुछ टाइम तक देखते रहा सर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब कुछ अच्छा कॉन्टेंट मिल रहा है जो कि हर कोई नहीं दे रहा है सर. क्योंकि वीडियो तो सर आप देख रहे होंगे एविएशन के रिलेटेड हर कोई बना रहा है, कोई हर कोई कुछ कर रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, कोई ना कोई आंसर क्वेश्चन आंसर बता रहा है. पर लेकिन सर, वो एक पर्टिकुलर जो टिप टू पॉइंट सर आंसर होता है ना सर, वो नहीं मुझे मिल रहा था सर कहीं भी. तो इसलिए मैंने सर आपको जो है मैसेज करा था कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर क्रैश कोर्स. मुझे सब बहुत अच्छा लगा सर. आपने मेरे को फिर कॉल भी करी शाम को कि हाँ क्या करते हो क्या नहीं करते हो. दैट टाइम सर आई वाज वर्किंग एज अ क्रिएटर एसोसिएट इन एमपीएस लिमिटेड सर. उसके बाद सर मैंने क्रैश कोर्स जब ज्वाइन करा सर, मुझे सर मतलब जो मैं सोचता था सर सब उसका मतलब वो तो कुछ था ही नहीं सर. मतलब वो तो मतलब बिल्कुल मैं था, मतलब जीरो था सर बिल्कुल ना. उसके बाद जब क्रैश कोर्स ज्वाइन करा, उसमें सर आपने जो क्लासेस ली सर, काफ़ी अच्छा मेरे को लगा सर. उसमें बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें थी जो मुझे कहीं और नहीं मिली सर, जो कि सिर्फ क्रैश कोर्स में ही मिल सकती है. तो मैं औरों को भी यही बोलना चाहूँगा सर, जो भी मतलब एस्पिरेंट्स हैं एविएशन के रिलेटेड, जो एविएशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे मस्ट ज्वाइन द क्रैश कोर्स सर. क्योंकि ऐसा जो कॉन्टेंट है आपको, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती सर क्रैश कोर्स के अलावा. तो सर जो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन करा, मैंने सारी रिलेटेड उसके बात करी आपसे, जो भी मैंने अपना था कि सर मुझे ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है, इस कंपनी में ज्वाइन करना है. आपने मेरा सब कुछ क्लियर करा कि हाँ ऐसे मैं क्रैश कोर्स में पढ़ाऊँगा. तो वही है सर, आपकी वजह से सर आज मैं जहाँ जिस पोजीशन में आज मैंने जो पोजीशन क्रैक करी है, जो मेरी मतलब ड्रीम जॉब है एक तरीके से, तो सर वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ और इस क्रैश कोर्स की वजह से हुआ सर. गुड नाइट शुभम, थैंक्स अ लॉट यार, है ना. देखो यार, जैसे ही तुम एडमिशन लेते हो, हम तो पूरा चाहते हैं कि तुम्हारा हो भाई. राइट, वी वांट टू मेक रीच एविएशन लाइफ इन दैट मच स्टैंडर्ड कि यार कोई मतलब बराबरी का हो ना, मतलब टक्कर देने वाला. राइट, एंड आई गेस वी आर सक्सेसफुल यार, तभी तो आप लोग पढ़ने आ रहे हो. एंड वी हैव 165 सिलेक्शन. तुम्हें याद है शुभम, तुमने कहा था सर मेरा 170 सिलेक्शन के अंदर करवाना है मुझे. एंड यू मेड इट इन 165. मैंने कहा कि टेंशन मत लो भाई, दो सिलेक्शन में तुम्हारा हो जाएगा. बिकॉज आई वॉज दैट मच कन्फर्म ना शुभम, मैं इतना कन्फर्म था चीजों को लेके कि भाई कि यार तुम्हारा मतलब यार करवाना है, यार होना ही चाहिए. आई वाज दैट मच श्योर एंड दैट मच कंफर्म्ड. और मैं तो सिर्फ एक इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था कि बैंगलोर में तुम्हारा सीवी, सॉरी कि दिल्ली में तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट हो. और तुम्हारा जैसे ही सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ, तुम गए इंटरव्यू देने के लिए, तुमने इंटरव्यू एक ही बार में निकाल लिया. तो गाइज, जो शुभम है, इन्होंने इंटरव्यू एक बार में ही निकाला है. हम क्योंकि हम दूसरा मौका देते नहीं ना किसी को. दूसरा मौका मैं देता ही नहीं हूँ भाई, दूसरा, समझ रहे हो. दूसरा मौका देने की मेरी आदत ही नहीं है ना, दूसरा तीसरा मौका देने की आदत नहीं. अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है और आपने चीज़ों का अच्छे से एग्जीक्यूट मारा, देन तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है. राइट, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि तुमने एक ही बार में इंटरव्यू निकाल लिया. प्लस तुम्हारे साथ दो और स्टूडेंट थे जो क्रैश कोर्स के कोचिंग में तुम्हारे तुम्हें वहाँ मिले, जो कि हिमांशु मिला,
और गाइस हिमांशु ने भी इंटरव्यू निकाला फॉर दिल्ली बेस एंड फॉर सेम डिपार्टमेंट। तो ये दोनों जब आगे जाके नौकरी करेंगे तो एक ही कोचिंग वाले रहेंगे। और इस बार दिल्ली बेस में टोटल 8 लोगों ने इंटरव्यू निकाला है, और भी इंटरव्यू लोगों ने निकाला होगा, आई गेस चंद्रा ने भी निकाला है एरेना सेट्स का, तो 9-10 लोगों ने इंटरव्यू निकाल लिया एक बार एक दिल्ली बेस में। तो आप लोग की वीडियो लॉन्च होगी तो आप देख सकते हैं गाइस कौन कौन सी मेरे साथ था, तो वहां पे स्ट्रेटजी रिवील होगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। ओके, ये बताओ कि शिवम तुमने क्रैश कोर्स में ऐसी क्या क्या चीजें सीखी कि तुमने इंटरव्यू एक बार में ही निकाल लिया, या ये मैं चाहता हूं सर जो मेरी ये सर जो सर फर्स्ट प्रॉब्लम आई फेस इन माय सेल्फ इज दैट आई हैव अ पब्लिक स्पीकिंग फियर सर। मैं सर जो है किसी भीड़ के सामने अगर मुझको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो मैं बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। सो आई हैव लर्न फ्रॉम द डे 1 to 15 days, मतलब मैं सर ऐसा हो चुका था कि हाँ अब कोई भी आ जाए मैं आराम से मतलब बोल सकता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने सीखी सर। और रिलेटेड टू एविएशन सर, क्वेश्चन एंड आंसर जो थे सर, मेरे को सर एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल रहा था, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल वाला कोई एक मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता रहा था सर, हर कोई अलग अलग ही बता रहा था। तो मुझे सर एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए था कि हाँ ये टिप मतलब टिल पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल एकदम जो है वहाँ तक ये आंसर करेक्ट है बिल्कुल, वरना कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। सर आपके क्रैश कोर्स ज्वाइन करने में ये फायदा हुआ सर कि एक तो सर पब्लिक स्पीकिंग फियर जो था मेरा वो खत्म हो गया सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था जब मैं इंटरव्यू देने गया। ऊपर सर मेरे को सारे क्वेश्चन आंसर पता थे जितने भी आपने बताए थे, है ना, और ऊपर सर जितने भी आंसर जो थे ना सर वो बिल्कुल ऐसे थे कि अगर मैं भी एचआर होता ना सर तो मैं भी बोलता कि भाई यही सुनना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। तो ऐसा था सर, मतलब बहुत हेल्प करी सर एक क्रैश कोर्स ने मेरी। और मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी इधर उधर जो वीडियोस देख रहे हैं मैं बहुत से कमेंट्स में, यस सर जो टाइम काट रहे हैं इधर उधर वीडियोस देख के यार, यस सर इधर उधर वीडियो देख के सर, क्योंकि मैं सर बहुत से कमेंट्स में देखता हूँ कि सर मेरे को ऐसा है ये है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। सर एक बार क्रैश कोर्स ज्वाइन करो सबका फियर जो है मतलब हट जाएगा बिल्कुल, वो आराम से इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सर कर ही लेंगे सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेंगे सर, है ना गाइस। तो शिवम ने करके दिखाया है एंड ये सारी की सारी चीजें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, मसला ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। टेंशन वाली बात ही नहीं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो राइट, इंग्लिश नहीं आती तो हम सिखाएंगे ना आपको कैसे करना है। इंग्लिश नहीं आती तो भी हम सिखाएंगे कि यार कम इंग्लिश में भी कैसे सेलेक्ट होना है राइट, कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, कौन सा डिपार्टमेंट में आसानी से सिलेक्शन होगा राइट, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके आंसर कैसे देने हैं, तो यार हर एक चीज हम सिखाएंगे इस कोर्स में, ये सारी की सारी चीजें। तो गाइज एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 15 जून क्रैश कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और शुभम की तरह ही बनना चाहते हैं और इंटरव्यू निकालना चाहते हैं तो फटाफट से मैसेज भेजिए 7999-5844, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और उसमें एनरोल कर सकते हैं। क्रैश कोर्स इज पेड, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स पेड बट इट्स वर्थ इट, इट्स वैल्यूएबल एंड इट्स मोस्ट इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल क्रैश कोर्स। ओके गाइस, तो ये था पार्ट 1 जिसमें शुभम ने नॉर्मल अपनी चीज़ों के बारे में बताया। गाइज नाउ आता है पार्ट 2, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में कि शुभम से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए एंड जीडी टॉपिक में क्या क्या जीडी टॉपिक आया। एंड नेक्स्ट थिंग डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी शुभम ने यूज़ की, कोचिंग की कुछ कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या क्या यूज़ की शुभम ने, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इस पार्ट 2 में। तो गाइस पार्ट 2 देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होगा वहाँ पर फटाफट से क्लिक मारिए एंड गाइस आप आ जाएंगे हमारे प्रीमियम कॉन्टेंट में जहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे क्वेश्चन पूछे गए एंड क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई। Guys, let's meet at part 2. तो शुभम बताओ लोगों को part 2 देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सर बिल्कुल देखना चाहिए सर, main part 2 ही है सर। Main guys part 2 ही है। Main part 2 ही है। जो आपको main contact मिलेगा, जो crux मिलेगा, वो part 2 ही है। And it will be इतना helpful कि आप यार क्या ही बताऊँ मैं? इतना helpful होगा कि आप मतलब crash course अगर आपके generally they don't have enough funds or sufficient thing, तो भी आपको इतना helpful होगा कि आप आराम से interview निकाल पाएंगे सिर्फ उस video को देख के। Yes sir। ये सारी की सारी चीजें हैं। So guys, let's meet at part 2. Bye bye everyone and do enjoy guys. Bye bye. Let's meet at part 2.